हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं हरे मूंग की सब्जी। थिक ग्रेवी है ये, जिसे महाराष्ट्र में कहते हैं मूंग दाल, मूंगाचा बिर्डर। कुछ दालें हैं जैसे वाल्स है और चना दाल है और जो मूंग है, मटकी है, ये जो दाल्स है इनसे ये सब्जियां बनाई जाती है। बिर्डा मीन्स आपको थोड़ी सी ओवर कुक रखनी है ये सब्जियां एंड बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, टेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने ये हरे मूंग जो है इसे रात भर भिगोया एंड फिर 5 से 7 घंटों के लिए इसे मैंने एक कंटेनर में रखा था, जिससे इसमें मोड़ आते हैं। कुछ थोड़े से ही मोड़ आए हैं इसमें और ज़्यादा मोड़ की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे कुक ही करने वाले हैं एक्स्ट्रा। तो इसे कुकर में डाल के, पानी डाल के 4 से 5 सीटियाँ, रेगुलर वैसे 3-4 सीटी लगती है, लेकिन ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा सीटी लगा रही हूँ, 4 से 5, ताकि ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा कुक हो जाए। तो इसे हम साइड में रख देंगे, तब तक हम इसे इसका तड़का जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो मैं एक साथ सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे प्याज, फिर ली है हरी मिर्चें। आप अपने तीखे के अनुसार, टेस्ट अनुसार ले, कम या ज़्यादा भी रख सकते हो, और आप चॉप करके भी इनको डाल सकते हो, लेकिन मैं जो बिर्डा है स्पेशली इसमें ग्राइंड करके आप डालोगे तो ग्रेवी और ज़्यादा अच्छी बनती है। और ये कैन टमाटो है, तो 2 टमाटोज मैंने यूज़ किए हैं, ये भी इसमें डाल दिए हैं। बस ये सारी चीज़ों को हम ग्राइंड करके लेंगे अच्छे से, फाइन पेस्ट। और अब देते हैं तड़का। तड़के के लिए कढ़ाई में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे तेल ले लिया है, 2 से 3 चम्मच तेल लिया है, और फिर इसमें मैंने ज़ीरा डाला है। ज़ीरा को अच्छे से गर्म होने देंगे। ज़ीरा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ड्राई मसाले डालेंगे। तेल कुछ ज़्यादा गर्म है, हम फटाफट से मसाले डालेंगे। इसमें मैंने डाली है 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच सब्ज़ी मसाला, फिर रेड चिली मसाला डाला है, धनिया पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला भी मैं अभी डाल ले रही हूँ, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला है मैंने, और थोड़ा सा 1/2 चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब मैं ये मसाले डाल रही हूँ, तब मैंने गैस को बहुत धीमी रखा है, बहुत तेज़ नहीं है आज। और फिर ये जब गर्म हो चुका है अच्छे से, तो इसमें मैंने ग्राइंड की हुई पेस्ट डाल ली है प्याज, टमाटर की और मिर्ची की। तो इसे मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से इसे हम अच्छे से कुक करेंगे जब तक इसमें से ऑयल नहीं निकलता। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर इसमें इसके ऊपर ढक्कन ढक के धीमी आंच पे हम इसे 4-5 मिनट कुक कर लेंगे मसाले को अच्छे से। कुकर ठंडा हो चुका है, इसे चेक कर लेते हैं। मूंग हमारे बनके बिल्कुल रेडी है। आप जो एक्स्ट्रा जो ये छिलके आए हैं ऊपर, इसे आप निकाल सकते हो या यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़े से जो ऊपर के हैं इसे थोड़ा सा निकाल लूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी में अच्छे नहीं लगते इतने। और फिर ये हमारी ग्रेवी जो है, आप देख सकते हो कितनी थिक एंड ऑयल निकला है इसमें से अच्छे खासा, और ये रेडी है। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम ये मूंग। बिल्कुल जैसे चाहिए वैसे ही मूंग हुए हैं, ना ओवर कुक है, ना इन लाइक
कच्चे भी नहीं है, मीडियम भी नहीं है, ना बहुत ज़्यादा ओवर है, बिल्कुल इसी तरह के मूंग चाहिए, थोड़े से ओवर कुक तो उसी तरह के है। और इसे हमने डाल लिया है ग्रेवी में, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको जितनी थिक ग्रेवी रखनी है रखे, पानी जितना ऐड करना है अभी डालें, और 5 से 7 मिनट के लिए हम इसके अंदर मसालों के अंदर कुक कर लेंगे और सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। आप इसकी इसको अपनी जो अगर डाइट कर रहे हो तो ऐसे ही खा सकते हो इसे। सो रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिले।